मृदभाषी में आप सभी का स्वागत है। मैं सान्या और आप देख रहे हैं नाइन प्राइम शो। आज के शो में हम बात करेंगे दिल्ली दंगों के मामले में हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। इसके अलावा बात करेंगे कि बढ़ती महंगाई के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सा बड़ा तोहफा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को घोड़ा निवासी की अपील पर केस दर्ज करने को कहा था। इस व्यक्ति ने कहा था कि दंगों के दौरान उसकी आंख में गोली लगी थी। दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर करने के आदेश का विरोध किया था। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बुधवार को इस फैसले पर मोहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिल स्टेशनों और बाजारों में भारी भीड़ से परेशान सरकार ने राज्यों को लेटर लिखकर कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन पर सलाह दी है। गृह मंत्रालय की ओर से लिखे इस लेटर में कहा गया है कि बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। नतीजतन कुछ राज्यों में आर फैक्टर में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य गाइडलाइंस के सख्ती से पालन के लिए अधिकारियों को निजी तौर पर जिम्मेदार बनाए। अडानी ग्रुप ने मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में अडानी ग्रुप की कंपनी का 74% हिस्सा होगा। मुंबई एयरपोर्ट को तैयार करने वाली और पुरानी मालिक GVK ग्रुप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल गई है। GVK ग्रुप की पूरी 50.5% हिस्सेदारी और दूसरी दो विदेशी कंपनियों की 23.5% हिस्सेदारी अडानी इंटरप्राइजेस की सब्सिडरी कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने अपने नाम कर ली है। बची हुई 26% हिस्सेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रहेगी। उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए तैयार की जा रही नीति पर छिड़ी बहस के बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस विचार का समर्थन कर दिया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि देश को जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करना होगा और ये समय हम दो हमारे एक का हो चुका है। उन्होंने ऐसे समय पर ये बात कही है जब उनकी पार्टी के कई नेताओं ने योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से लाए जा रहे कानूनों की आलोचना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपनी पूर्व सहयोगी और अब मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और बिकाऊ तक बता डाला। हाल ही में नागरिक विमानन मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा कि उन्हें एयर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है और वे खुद भी बिकाऊ हैं। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की काउंसिलिंग और अफगानिस्तान पर SCO संपर्क समूह की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर तजाकिस्तान के दुशांबे पहुंच चुके हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जयशंकर आज चीनी काउंटर पार्ट वांग यी के साथ मीटिंग कर सकते हैं। इस दौरान भारत चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।